हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि घर में आग लग गई थी। मेरे घर यूपीएस वगैरह जल चुके हैं, तो भाई देखते हैं रिकॉर्डिंग हो पाती है कि नहीं, और मेरे पास टाइम होगा कि एडिटिंग करने के लिए कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। OMG जो फाइनली अंदर जा रहा होता है और इसे बताता भी है कि तुम रिलैक्स कर लो, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं किसी भी टाइम जो है यहाँ से भाग सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है। OMC भी सोच रहा होता है कि अगर मैं टेलीपोर्ट कर लेता हूँ अपने वर्ल्ड पर, लेकिन अगर मैं वापस से अपने वर्ल्ड के अंदर आता हूँ तो भाई मैं जो हूँ उसी जगह पे आ जाऊंगा जहाँ से मैंने टेलीपोर्ट किया था। उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी बैक्टीरिया वगैरह होगी, उसके बाद इश्यू हो सकता है अगर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ जाते हैं वापस से। OMC फिर बताता है वैसे भी अभी दिन का टाइम हो रहा है, तो अगर मैं नीचे चला जाता हूँ उसके जो है बैक्टीरिया के सोर्स को खत्म कर लेता हूँ, तो जितने भी ज़ॉम्बीज़ है वो रुक जाएंगे और तुम्हें जो है मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। अंदर चला जाता है OMC, जो स्लाइड करके नीचे जा रहा होता है और फिर बताता है कि ये जो मतलब टनल वगैरह है ऐसे ही नेचुरल नहीं बना है, इसको शायद से किसी ने बनाया है। यहाँ पर जो है वॉल्स वगैरह भी मतलब स्टील के बने हुए हैं, ऊपर से यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी है, तो क्या ये कोई जो है रिफ्यूज शेल्टर वगैरह है। OMC आता है इस जगह पे, फिर बताते कि मतलब अंदर जाने की जगह है और क्या कोई मॉन्स्टर ऐसा है जो कि मतलब इनके शेल्टर को तोड़ के अंदर जा भी सकता है, तो इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और देखता रहना पड़ेगा एनी गाय एक्सप्लेन को। अचानक से MC कोई चीज देख लेते हैं जिससे शौक हो जाते कि ये क्या चीज है। MC फिर बताते कि ये हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पर कोई भी पैनल नहीं है ना ही कोई बटन है। MC फिर बताते कि रुको जरा, यहाँ पर जो मॉन्स्टर वो तो नहीं है कि मतलब दीवारों के आर पार जा सकते हैं, उसको कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। MC फिर रास्ता फिर बताते कि तुम्हें लगता है कि भाई मुझे ये वॉल जो रोक सकती है, और MC यहाँ पर लग जाते हैं इसको जो है तोड़ने के लिए। MC फिर सोचता है कि लगता है कि ये जो है काम नहीं करने वाला, और डायरेक्ट मैसेज आ जाता है, वो बताते कि जो भी तुम कर रहे हो वो पॉइंटलेस है। MC इधर उधर देखते फिर बताते कि कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वापस से मैसेज आ जाता है कि तुम जो कहाँ पर देख रहे हो, तुम जरा आपने जो है कम्युनिकेशन डिस्प्ले चेक करना। MC बताता है कि मैंने जो है इसे ऑन कर दिया था ना, चलो देखता हूँ। और वो जो MC को बातें सुना रहा होता कि कभी फिजिक्स की क्लास में नहीं गए हो, तुम्हें ये चीजें नहीं पता, ये नहीं पता। MC को जो है फर्क नहीं पड़ रहा होता, लग जाते इसको वापस से तोड़ने में। और डायरेक्ट मैसेज आता है, फिर बताते कि ए क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम जो क्यूरियस नहीं हो इन चीजों के बारे में, क्या तुम्हें जो मेरे नाम के बारे में पता है, और क्या तुम जो अचानक से बातें करना भी भूल चुके हो क्या। MC फिर बताता है कि सबसे पहले भाई चीज ये है कि मुझे जो है तुमसे कोई भी जो है नुकसान नहीं होने वाला, और दूसरी चीज ये है कि भाई मैं जो हूँ बिजी हूँ, मेरे पास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। और MC जैसे बताते हैं कि नंबर 3, डायरेक्ट दरवाजा जो है खुल जाता है। वो फिर बताते कि लगता है कि नंबर 3 ये चीज थी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। MC फिर बताते कि ये गेट तुमने खोला। वो फिर बताते कि हाँ भाई वेलकम, आ जाओ तुम। MC फिर सोचता है कि मैंने जो बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया था उस दरवाजे को खोलने के चक्कर में, मुझे जो है जल्दी करना चाहिए। और वो डायरेक्ट बता देते कि भाई रुक जा, अगर तुम्हें जो है उस कीड़े को ढूंढना है जो कि मतलब इन चीजों को फैला रहा है, तो तुम जो है उसे हरा नहीं पाओगे। जा रहा था, फिर बताते कि तुम बता रहे हो कि वो जो है कीड़ा है, वो जो है दिखता कैसे है मतलब, और वो जो है कहाँ से आया है, और वो अभी कहाँ पर है जहाँ पर जा सकते हो उसको मारने के लिए। MC पर सोच रहा होता कि अभी भी कंफर्म नहीं है, मतलब जिस कीड़े के बारे में ये बात कर रहा है वो इस चीजों का सोर्स है भी कि नहीं, ये जो जितनी बैक्टीरिया फैल रही है, इसलिए मुझे जो है पहले पता लगाना पड़ेगा। और वो वापस MC को बताते कि ऐसा लगता है कि तुम जो हो बातें नहीं कर सकते हो, और लगता है कि तुमने जो अपनी बोलने की क्षमता खो दी है, और थोड़ी टाइम में जो तुम बातें करते हो कभी नहीं करते हो। MC बस जा रहा हो तो वो वापस से बताते कि क्या तुम सुन नहीं सकते हो, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आ जाता है, वो वापस MC को बताते कि फ्रेंडली रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, अगर तुम जो इसी तरह चलते रहे 200 मीटर के अंदर तुम नोटिस कर लोगे। MC डायरेक्ट रुक जाता है। MC फिर बताते कि क्या तुम बता सकते हो इस कीड़े के बारे में मुझे। और वो फिर बताते कि चलो भाई बता ही देता हूँ तुम्हें कि वो कीड़ा जो है भाई कोई आम चीज नहीं है, वो जो है ट्राई कर रहा था कि वो जो है हाइबरनेशन के चैम्बर में चला जाए, शायद से वहाँ पर ह्यूमंस होते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। और ये फिर बताते कि सच बताओ तो वो कीड़ा जो है बहुत ज्यादा चालाक था, उसने जो एक तरह से मुझे भी धमकी दी थी, फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने उसे अंदर आने दिया। MC फिर बताते कि अच्छा मतलब तुम बता रहे हो कि वो जो है इस जगह पे आ चुका है, तो उससे जो है तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो फिर बताते कि अच्छा वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उसे अंदर आने दिया, तुम्हें लगता है कि वो जो है खतरा है मेरे लिए, चलो मैं देखता हूँ कि वो जो है मुझे छोटी सी भी चोट पहुँचा सकता है, और वो जो सिर्फ इंटरेस्टेड है ह्यूमंस के अंदर। MC फिर बताते कि रुको जरा, ये ह्यूमन बता रहा है, और ये फिर बताते कि तुम ह्यूमंस हो, तो इसका मतलब ये कि ये जो है कोई आम सा शेल्टर नहीं है। और ये फिर बताते कि चलो ठीक है, मैं जो तुम्हें सेंड कर देता मैप को तुम्हारे कम्युनिकेटर से, और तुम्हें लोकेशन बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। MC फिर बताते कि थैंक यू, लेकिन क्या मैं कुछ और पूछ सकता हूँ। वो फिर बताते कि चलो तुम कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो क्या। फिर MC बताते कि तुम हो क्या। और वो फिर हंसता है, फिर बताता है कि क्या तुम्हें अभी पता चले कि भाई मैं क्या चीज हूँ, अगर मैं तुम्हें सच में बताऊँ तो
तुम ह्यूमर्स जो है मुझे बुलाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मैं सिक्योरिटी यूनिट हूँ, अपना कोड बताता है, फिर हमसे बताते कि क्या तुम जो कोई प्रोग्राम वगैरह हो, वो फिर वापस से बताते कि मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, AI हूँ। अगर मैं जो कोई सिक्योरिटी सिस्टम या प्रोग्राम होता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा चीजें बता पाता, मतलब तुमसे इतनी ज्यादा कम्युनिकेट कर पाता, तो इसलिए मैंने जो खुद को एक अच्छा सा नाम भी दिया है। क्या तुम्हें अभी पता चल चुका है कि मैंने तुम्हें जो अंदर आने क्यों दिया? आईएमसी भी सोचते कि अच्छा इसने अपना नाम भी रखा हुआ है, और ये जो कोई आम सा जो है AI नहीं लगता है, जो लगता है कि कोई एडवांस AI होगा। आईएमसी फिर बताते कि तुमने अपना नाम इसलिए रखा होगा शायद से तुम इन्फॉर्मर हो, वो फिर बताते कि नहीं मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर आईएमसी बताते कि भाई ये है क्या चीज, और इसका टेस्ट जो है बहुत ज्यादा वियर्ड है नाम रखने में। आईएमसी फिर बताते कि चलो मुझे जो है उस चैम्बर के बारे में पता चल चुका है, वो फिर बताता है AI की क्या तुम करने वाले हो, क्या तुम जो है पागल हो चुके हो। और डायरेक्ट MC जो अपने सूट से निकल रहा होता है, और ये फिर बताता है अगर तुम जो इससे निकल जाओगे तो वो जो तुम्हें एक ही बाइट के अंदर खा जाएगा। और वो फिर बताते लेकिन फिर भी ये भी नहीं बता सकता है कि मतलब तुम इसी ही सूट के अंदर मर भी सकते हो और तुम्हारे कॉफिन बन जाएगा ये। और ये AI जो MC को ये भी बता रहा होता है कि क्या तुमने जो है केलन पार्टिकल के बारे में सुना है, अगर वो जो तुमसे टच भी होंगे तो भाई तुम जो हो पिघल जाओगे, इसलिए एडवाइस देता हूँ कि वापस से पहन लो। MC सोच रहा होता है कि भाई ये आर्मर जो है मैं नहीं पहन सकता क्योंकि इसके अंदर बैकअप फ्यूल जो है वो 100 जो है कंप्रेस क्रिस्टल्स है जो कि मुझे मार सकता है। ये जो वापस बता रहा होता है कि सच में तुम जो इसे छोड़ के जा रहे हो, और तुम्हें जो ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, और भी ज्यादा चीजें हैं जिसे जो है अटेंशन की जरूरत है। और दरअसल MC ने जो उस सूट से वो क्रिस्टल्स निकाल दिए होते हैं, वो जा रहा होता है ताकि एक तरह से इन क्रिस्टल को बम की तरह यूज कर ले उसको उड़ाने के लिए। और डायरेक्ट AI जो MC को बताते है कि भाई ह्यूमन तुम्हारा दिल जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है जैसे कि कोई रॉकेट हो, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें काफी डर लग चुका है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों नहीं यहाँ से भाग रहे हो जबकि तुम इतने ज्यादा डरे हुए हो। MC फिर बताते है कि तुम जो है शांत हो जाओ बस। अब वो फिर बताते है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार, मुझे बता दो जरा तुम्हारी ये मोटिवेशन जो है ना मरने की, जरा इसके बारे में मुझे बताना। MC फिर बताते है कि मैंने तेरे को बताया ना कि शांत रहो। और ये दरवाजा जो है नहीं खुल रहा होता, वो AI जो डायरेक्ट दरवाजा खोल देता, फिर बताते कि वेलकम। अब वो फिर बताते कि मैं तुम्हारी अभी भी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो भाई मुझे जो है गुस्सा आना चाहिए कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। और डायरेक्ट MC जब अंदर जाते है अचानक से कुछ होता है, MC कहीं पर होता है किसी लड़की को देख रहा होता है, और MC को जो है एक तरह से इस इल्यूजन के अंदर डाल दिया है। MC को लग रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा है, लेकिन ये जो है इस इल्यूजन के अंदर जो है बहुत ज्यादा गहरा पस चुका है। और यहाँ पर कोई लड़का आ जाता है, वो बता रहा होता है MC के बारे में कि भाई अगर मैं जो वो फ्लावर होता तो मैं ये वो करता, मतलब ऐसे बता रहा होता है, और ये जो है तुम सोच रहे होगे MC के बारे में। MC फिर बताते कि हाँ तुम सही बता रहे हो, फिर बताते कि रुको जरा क्या तुम्हें मरना है। और फिर MC उस लड़की को देखता है, फिर बताता है कि काश मैं जो वो फ्लावर होता। MC जो वो लेकर आता अपनी याददाश्त को कि भाई ऐसा सीन हो चुका था, फिर MC बताता है कि भाई क्या करूं मुझे जो भूल जाना चाहिए, चलो TV देखता हूं। और MC को एक तरह से इल्यूजन के अंदर डाल दिया होता है। MC को ये लग रहा होता है कि इसके पेरेंट्स जो है वो ओवरसीज जा चुके हैं, और मैं जो पढ़ाई घर पे कर रहा हूं, और मैं जो कहां से शुरू करूं। MC फिर बताता है कि एक और बात मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब मैं डायरी क्यों लिख रहा हूं, मैं कब से डायरी लिख रहा हूं, और इसका पॉइंट क्या है डायरी लिखने का, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग चीज है। MC जो एक टीवी पे कुछ ड्रामा देख रहा था, फिर बताता है कि ये ड्रामा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस दिनों में, और दो लड़कियां जो मेरे सामने बैठी थी क्लास के अंदर, वो इसके बारे में बात कर रही थी। अब वो लड़की फिर बताती कि लेन क्या तुम्हें पता है कि तुम किस टाइप के सिचुएशन के अंदर हो, जरा नीचे देखना। और वो फिर बताती कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। और वो जो पागलों की तरह हंस रही होती है, और जैसे ही MC नीचे देखता है तो उसके नीचे MC की मतलब परछाई होती है, या फिर MC दिख रहा होता है इसे। MC फिर बताता है कि ये जो बहुत ज्यादा लेम शो है, ये लड़का जो है पावरफुल वगैरह नहीं है, और ये जो बहुत जल्दी मर जाएगा। MC फिर बताता है कि रुको जरा, ये रिफ्लेक्शन जो पानी के अंदर थी थोड़ी सी ऐसी लग रही थी जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है। MC आ जाता है और सोडा पी रहा होता है। फिर MC बताते कि रुको जरा, क्या मुझे जो है कोला पसंद है पीना? ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, मतलब MC अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता है कि भाई ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मतलब मैं ये सब कुछ नहीं करता था। MC बताते कि साला मैं जो इन चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं चला जाऊँ सो जाऊँ। और इसी के साथ MC जो है सुबह उठ जाता है, वापस से स्कूल में जाता है, अभी भी ये इल्यूजन के अंदर होता है। MC फिर बताते कि सिटी पे जो ये शील्ड आ चुकी है, ये इसलिए ताकि ये जो है लोगों को प्रोटेक्ट कर ले जो कि सिटी के अंदर रहते हैं अटैक्स वगैरह से। और MC जा रहा होता है, अचानक से इसे रोबोट से मतलब आवाज आती है, MC देखता है। MC फिर बताते कि अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि कुछ जो है वियर्ड हो रहा है। और ये रोबोट वापस से MC की तरफ देखता है, फिर काम कर रहा होता है। MC फिर बताते कि लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, क्या इसे ये लगता है कि भाई मैं जो एक कचरा हूँ। MC फिर बताते कि छोड़ो मैं चलता हूँ क्लास में, ये जो क्लास में आ जाता है। और ये लड़की अभी भी उस टीवी के बारे में बात कर रही होती है, और ये
लड़की फिर बताती कि वो लड़का जो है मर चुका था ना उस ड्रामे के अंदर। फिर एमसी सोचता है कि भाई किस टाइप का ड्रामा है जबकि मेन बंदा जो है वही मर गया है। एमसी फिर बताते कि हाँ याद है मैंने उसे कल देखा था जब वो जो मरने वाला था। और एमसी यहाँ पर कुछ बातें कर रहा होता है, उसे जो वैम्पायर काट लेगा वो जो हाफ वैम्पायर बन जाएगा और उसे जो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि उसे प्यार करते थे। और उसके बाद वो जो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाएगा, वो जो इसी तरह इवेल्स को मारेगा और एक दफा जब वो हीरो बन जाएगा सब विलन्स को मार देगा, वो खुद को भी मतलब सूरज की रोशनी से मार देगा। फिर एमसी बताते कि लगता है मैंने कुछ तेजी से ये बोल दिया, सॉरी। जैसे ही एमसी देखता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एमसी को देख रहे होते हैं और फिर एमसी बताते कि सॉरी तेजी से बोल दिया। एमसी बताते कि मुझे जो इस तरह से मत देखो, ये बहुत ज्यादा स्केरी है। फिर एमसी बताते कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। एमसी अपना फ्रेंड का भी नाम लेते कि क्या तुम देख रहे हो, लेकिन वो भी एमसी को देख रहा होता है। एमसी फिर बताते कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ और मतलब एमसी शॉक में चला जाता है। अचानक से एमसी की सेक्रेटरी भी आ जाती है यहाँ पर। एमसी इधर उधर देखते फिर बताते कि ये क्या हो रहा है और सारे अपने टैबलेट खोल रहे होते हैं। और फिर एमसी को फ्रेंड डायरेक्ट बताते कि क्या हो गया तुम्हें। और एमसी डायरेक्ट मुड़ता है और एमसी को बताते कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हो गया, मेरे चेहरे पे कुछ है क्या। एमसी फिर बताते कि नहीं भाई मेरा सर में दर्द हो रहा है। और ये सोच रहे होते कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि मैं जो कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल चुका हूँ, वो क्या चीज है। और डायरेक्ट एमसी को वो लड़की दिख जाती है, फिर बताते है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर एमसी फिर वापस से बताते है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं भूल चुका हूँ। और अचानक से यहाँ पर कोई सीढ़ियाँ होती है, फिर एमसी बताते है कि शायद से मुझे वहाँ पर जाना है। और जैसे ये जाने लग जाता है अचानक से पीछे देखता है वो लड़की जो एमसी को बुलाती है और ये एक रूम जो एकदम से ही चेंज हो जाता है, ये जो लाइब्रेरी हो जाती है। अब वो एमसी को बताते है कि क्या हो गया, तुम्हारा फेस जो है बहुत ज्यादा रेड हो चुका है। एमसी फिर बताते है कि मुझे जो फजूल चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं जो इस लड़की को डेट पे लेकर जाने का सोच रहा था ताकि मूवी देखे साथ में। ये लड़की डायरेक्ट एमसी को बताती है कि क्या तुम्हें जो है मेरे घर पे आना है। एमसी फिर बताते है कि इसे जो है मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे अपने घर पे बुलाएगी। और डायरेक्ट ये जो इसे खींच के लेकर जा रही होती है, एमसी बताते है कि रुक जाओ। और ये जो एमसी के बारे में सोचता है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहा था और इसका सब कॉन्शियसनेस जो है वो अभी भी अलर्टेड के अंदर है, क्योंकि एमसी अभी भी एक तरह से इल्यूजन के अंदर है लेकिन फिर भी ब्रेन काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर बताते कि ये वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा लोग गेम को जो स्टार्ट कर देते हैं और वो लड़की जो एमसी को लेकर आ जाती है। एमसी फिर बताते कि हमें जो तुम्हारे घर में जाना है, लेकिन क्यों। ये फिर बताते कि इसलिए मैं जो तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट जो है घर पे नहीं है और ये सब कुछ तुम पे कि तुम आना चाहते हो क्या नहीं। एमसी सोचते कि ये जो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहती है और क्या चाहिए ये मुझसे कॉन्फेस करेगी। एमसी फिर बताते कि रुक जाओ मैं जो आ रहा हूँ, चलो हम जो तुम्हारे घर चलते हैं। एमसी को वापस से वो फीलिंग आती कि भाई कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है और यहाँ पर वो रोबोट वापस से दिखता है एमसी को। एमसी फिर बताते कि ये क्लीनिंग रोबोट जो है यहाँ पर भी है। एमसी बताते कि रुको जरा ये जो है हर जगह पे है। और ये रोबोट जो है डायरेक्ट वापस से मुड़ जाता है एमसी को देखकर। एमसी बताते कि ये कर क्या रहा है, मुझे क्यों देख रहा है। ये लड़की एमसी को बताते कि कर क्या रहे हो, फिर एमसी बताते बस आ रहा हूँ मैं। एमसी भी सोचते कि भाई मैं जो हूँ क्या सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जो है आज मूव करना पड़ेगा। अचानक से वो जो रोबोट है आवाज करता है और एमसी वापस से उठ जाता है। और ये जो क्लास के अंदर होता है और एमसी ये भी सोच रहा होता है कि मैं जो क्लास में कैसे आ चुका हूँ, मैं जो हूँ कल उसके साथ गया था ना। और वो लड़की भी यहाँ पर होती है, फिर एमसी इसे हेलो करता है लेकिन सोचता है कि मेरे पास इसकी कोई भी मेमोरीज नहीं है कि कल क्या हुआ था। और फिर जो 2 बज जाते हैं, फिर एमसी देखता है कि सब लोग जो किधर चले गए हैं और एमसी जो उठ जाता है और जाने लग जाता है। और डायरेक्ट वो रोबोट जो फिर से एमसी को फॉलो कर रहा होता है, एमसी रुक जाता है। एमसी फिर बताता है कि मुझे जो पता लगाना पड़ेगा इस रोबोट की सच्चाई को। और डायरेक्ट यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो जो एमसी को बता रहा था कि तुम लेट क्यों हो चुके हो। डायरेक्ट आ रहा था एमसी को मारने के लिए, मतलब कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम लेट क्यों हो। एमसी फिर बताता है कि क्या मैं लेट हूँ। और डायरेक्ट ये आ जाता है एमसी को मारने के लिए, लेकिन वो रोबोट भी बाकी आता है और डायरेक्ट इसे जो है नीचे गिरा देता है। एमसी फिर बताता है कि ये रोबोट यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये वापस एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन ये रोबोट जो है इसे मतलब रस्सियों से बांध देता है। और वो जो एमसी को बताते हैं कि भागो यहाँ से। और एमसी फिर बताते हैं कि ये चल क्या रहा है। वो रोबोट वापस से बताते हैं कि जल्दी करो यहाँ से भागो। और एमसी फिर सोचता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो ये मुझे मारेगा। और वो क्लीनिंग रोबोट जो था उसने मेरी हेल्प क्यों की। फिर एमसी बताते हैं कि मुझे लाइब्रेरी जल्दी जाना पड़ेगा। और जैसे ही दरवाजे पे प्रेस करता है वो डायरेक्ट खुल जाता है। फिर एमसी बताते हैं कि ये अनलॉक क्यों है। और इस रूम के अंदर जो कंप्यूटर होता है। फिर एमसी बताते हैं कि ऐसी मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि ये जो है मैंने कोई ड्रीम के अंदर देख लिया है। और एमसी डायरेक्ट इस कंप्यूटर के पास चला जाता है, एक यूएसबी लगाता है और एमसी बताते हैं कि रुको जरा क्या पता ये मुझे आंसर दे दे। और डायरेक्ट एमसी का जो नाम आ जाता है। फिर एमसी बताते हैं कि ये चीज जो है मुझे जानती है। फिर एमसी बताते हैं लेकिन मुझे जो है कोई भी वियर्ड फीलिंग नहीं आ रही इससे। और एमसी फिर देखते हैं, चलो देखते हूं कि अंदर क्या है। एमसी इस कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका डेटा बहुत ज्यादा पुराना है, अजीब सी सीन है। और डायरेक्ट वो
लड़की एमसी को बुलाती है कि क्या तुम यहाँ पर हो। एमसी शोक हो जाते कि इसे मेरे बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। एमसी फिर बताते कि जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ये लड़की वहाँ पर आ जाती है और ये जो है मुझ पे सर्वेलेंस तो नहीं कर रही थी। लेकिन एमसी तब भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता और यहाँ पर अचानक से शांति हो जाती है। फिर एमसी बताते कि अच्छा हुआ वो जो है जा चुकी है। लेकिन अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और ये जो एमसी के रूम के अंदर होता है, एमसी पीछे जाके गिर जाता है। ऐसे के साथ लोग भी आ रहे होते, फिर एमसी बताते कि यहाँ पर चल के आ रहा है। एमसी फिर बताते कि ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर सोल्जर्स क्या कर रहे हैं और क्या यहाँ पर वॉर शुरू हो चुकी है कि क्या हो रहा है। एमसी जो भागने का ट्राई कर रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे जो अपनी लाइफ बचानी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सोल्जर्स भी एमसी के पीछे आ जाते हैं और ये सबको बताते भी कि जल्दी करो गने उठा दो, हमें जो इसको मारना है। फिर एमसी बताते कि तुम लोग हो कौन, ये जो डायरेक्ट एमसी को मार देता है। और फिर एमसी जो डायरेक्ट उठता है तो ये जिम के अंदर होता है, वहाँ पर सब लोगों को पकड़ लिया होता है। और ये जो इस लड़की को पकड़ लेते, फिर बताते कि चलो गेम खेलते हैं, मैं जो 10 तक काउंट करूंगा, अगर तुम जो उस फुटबॉल हुप तक पहुंचाओगे तो मैं जो तुम्हें जाने दे दूंगा और तुम्हें जो है लेकिन तेज भागना पड़ेगा। और ये फिर बताते कि कैसे रहेगा, फिर बताते चलो गेम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये काउंटिंग शुरू कर देता है, ये लड़का जो है भागने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो जो इसे मार देता है और मतलब डायरेक्ट 10 बोल देता है, पूरी काउंटिंग भी नहीं करता है। और फिर बताता है कि सॉरी मेरी मैच जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एमसी भी शॉक हो जाता है कि यहाँ पर मतलब कैसे क्या हो रहा है, इतने लोगों को ये मार रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे बंदों को भी ये मारने वाला होता है, एमसी का फ्रेंड आ जाता है इसको बचाने के लिए, लेकिन तब भी ये जो उसकी धुलाई कर देता है और फिर इसको जो है जान से यहीं पर ही मार देता है। और एमसी पूरे शॉक के अंदर होता है कि ये क्या हो रहा है और डायरेक्ट वो जो है अपने बर्सर्कर मोड में चला जाता है। अचानक से यहाँ पर हर चीज रुक जाती है। फिर एमसी बताते हैं कि रुको जरा, मैं बर्सर्कर मोड में आ चुका हूँ और इस गेम को अभी एंड करने का टाइम आ चुका है। अपना जो है ये फाड़ देता है अपनी बॉडी को एक तरह से और ये निकल आता है। और फिर एमसी बताते हैं कि कहाँ पर अभी निकल आ जाओ, मुझे पता चल चुका है तुम्हारे गेम के बारे में और ये सब कुछ जो है फेक है। और डायरेक्ट वो लड़की भी आ जाती है, फिर बताते कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर एमसी बताते कि बस मेरे पास पावर है, मैं जो तुम्हारे इस जाल से निकल आ पाया। ये लड़की फिर बताती तो अच्छा तुम्हें जो है क्या चीज याद थी लास्ट टाइम। फिर एमसी बताता है कि मुझे जो है पता चल चुका था कि ये जो एक गेम है। और फिर हमें वापस एमसी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि मतलब ये जो है कैसे जो है इस गेम के अंदर घुस गया था, उन्होंने जो इल्यूजन कर लिया था। और एमसी यहाँ पर आ जाता है उस रूम पर जहाँ पर जो है वो कैप्सूल पड़े होते हैं। एमसी फिर बताते कि मैं आ चुका हूँ, लेकिन क्या तुम इन्फॉर्मर हो। एमसी जैसे गन निकालता है ये जो है डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर एमसी को बताते कि हिलने की कोशिश मत करना और तुम्हें जो है मेरे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए। और डायरेक्ट गन जो इसके सर पे रख देता है। फिर बताते कि ये लेजर जो है बहुत ज्यादा फास्ट है तो तुम जो हिल भी नहीं पाओगे। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि साला मैं जो उस बम को लगाने वाला था लेकिन मुझे अभी टाइम ही नहीं मिल रहा लगाने के लिए। एमसी फिर बताते कि तुमने मुझे बताया था कि वो कीड़ा जो यहाँ पर आ चुका है तो वो जो है वो कहाँ पर है। ये रोबोट फिर बताते कि हाँ मुझे पता है वो जो आ चुका था दरवाजे को मेल्ट करने वाला था, जैसे कि तुम मेल्ट करने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने जो उसे मार दिया है। लेकिन अच्छी न्यूज मेरे पास ये है, उस बैक्टीरिया का एक पार्ट जो है रह चुका था तो मैंने बताया कि क्यों ना उसे मैं ग्रो कर दूं। फिर एमसी बताते कि तुम बता रहे हो कि वो लड़की कीड़ा है लेकिन वो जो एक लड़की है। ये एआई फिर बताते कि तुम सही बता रहे हो, ये जो एक ह्यूमन लड़की है जिसे जो हमने इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिया है, लेकिन उस कीड़े के जितने भी टिश्यूज थे वो इसके अंदर आ चुके हैं। और तुम अगर बता रहे हो कि अगर ये जो मर चुकी है तो हाँ ये मर चुकी है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।